हेलो गाइज, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइज, स्वागत है आपको विलेज किचन क्वीन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठी। तो गाइज, ये ट्रायंगल मट्ठी है पराठे की शेप में। इसके नीचे चार परत होते हैं। तो गाइज देखिए, हमने एक बाउल में मैदा लिया है। अब उसको मैं ताली में डाल रही हूँ आटा गूंथने के लिए। तो गाइज इसमें मैं रख रही हूँ पहले मेथी, जिसको हमने पाउडर बना लिया है। अब उसको इस पे छिड़क लेती हूँ। और साथ ही में इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी काली मंगरेला। और इसके साथ ही हमने थोड़े से तिल लिया है, उजला तिल, उसे भी मैं डाल लेती हूँ। एक छोटी चम्मच नमक और थोड़े से अजवाइन जो रगड़ के मैं रख रही हूँ इसमें। साथ में इसमें तेल भी डाल लेती हूँ। और मैं इस सभी चीज़ को तेल के साथ अच्छे से मिक्स करूँगी। इसको मसल के अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइज, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए और नीचे बनी घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइज देखिए, हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े पानी डाल के उसके बाद गूंथूंगी, क्योंकि मट्ठी का आटा है इसलिए इसे थोड़ा सख्त ही गूंथना पड़ेगा। तो गाइज देखिए, हमने थोड़े से आटे को लेके हाथ में मुट्ठी बांध के देखा है, आटा अच्छी तरह से बंध गई है। अगर ना ऐसा ना हो तो आप थोड़े से ऑयल डाल के और मिक्स कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, हमने थोड़े थोड़े पानी को रख रख के उसके बाद मैं आटा गूंथ रही हूँ। एक ही साथ सारे पानी नहीं डालने हैं, थोड़े थोड़े करके पानी डाल के उसके बाद गूंथना है। अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो आटा नरम हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़े थोड़े पानी डाल के आटा गूंथ रहे हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से गूंथ लेती हूँ। तो गाइज देखिए, हमने सभी आटा को अच्छी तरह से टाइट करके गूंथ लिया है। हम जब भी मट्ठी बनाते हैं तो आटा को थोड़ा सख्त ही गूंथते हैं ताकि खस्ता क्रिस्पी हो, इसलिए हमने इसको थोड़ा सख्त ही गूंथा है। तो मैं थोड़ा आटा तोड़ लेती हूँ और इसके छोटे छोटे लोई बनाऊँगी तोड़ तोड़ के। तो गाइज, मैंने जितने भी आटा गूंथे हैं सभी को छोटा छोटा लोई तोड़ के उसको गोल करके सभी को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर मैं उसके बाद सभी को बेल के ट्रायंगल मट्ठी का शेप दूंगी। तो यहाँ पे मैं चकले और बेलन में तेल लगा रही हूँ ताकि मट्ठी बेलते वक्त यह बेलने और चकले में ना चिपके, इसलिए मैं बेलन चकले में तेल लगा लिया। अब मैं एक लोई को लेके इसे बेल के ट्रायंगल शेप में बना के बता रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हमने एक लोई को बेल लिया है रोटी की तरह। अब इसके ऊपर मैं लगा लेती हूँ तेल ताकि इसकी जो परत है ऊपर की मोड़ते वक्त चिपके ना। और फिर दूसरी तरफ से भी ट्रायंगल शेप देने के लिए उसको तेल लगा के ट्रायंगल शेप में मोड़ लेती हूँ। अब इसके ऊपर कांटे वाले चम्मच से इसके ऊपर छेद कर देंगे ताकि ये पूरी की तरह ना फूले। ये ट्रायंगल मट्ठी है इसलिए इसमें चार परत होते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो कांटे की चम्मच से इसको छेद करने के बाद ये अंदर तक पक जाती है और क्रिस्पी रहती है। तो चलिए, तेल गर्म है और उसमें मैं एक एक करके सभी मट्ठी को डाल लेती हूँ पकने के लिए।
तो गाय मट्टी को तलते समय एक ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा फ्लेम पे ना बनाए। ज़्यादा फ्लेम पे बनाने के बाद होता क्या है कि जो हमने मट्टी डाला है या कोई भी सामान डाला है तो वो जल्दी से पक जाता है, लाल हो जाता है और अंदर से कच्चा ही रह जाता है। इसलिए हम इसे कम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए और अंदर तक क्रिस्पी हो। तो गाइस देखिए मैं इसे कम फ्लेम पे तल रही हूँ और मैं रोटी फोल्ड करते वक्त जो मैंने तेल लगाया था इसमें, इसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी परत खुल गई है। अंदर तक ये पक चुका है, परत खुल चुकी है। अब मैं सारी मट्टी को एक एक करके एक छन्नी में निकाल लेती हूँ। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। तो गाइस हमारी टेस्टी मट्ठी रेसिपी बनके रेडी है। आप इसे बना के स्टॉक भी कर सकते हैं सुबह शाम चाय के साथ खाने के लिए। तो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।